दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबको हिस्टोरिकल गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारा देश भारत एवं हमारा राज्य उड़ीसा का इतिहास बहुत से महायोद्धाओं की कहानी से भरा पड़ा है। ये अलग बात है कि हमें कभी उनके बारे में पढ़ाया नहीं गया। हमारे इतिहास की किताबों से उनको हजारों सालों तक दूर रखा गया। मेरा ये छोटा सा चैनल हिस्टोरिकल गुरुजी के माध्यम से मैं हमारे पूर्वजों का इतिहास को ढूंढकर आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूं। इसलिए आपको मेरा सहयोग करना होगा। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य क्लिक कर देना होगा, तभी जाकर मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। फिर दोस्तों, मैं आपको बहुत बार पाइक विद्रोह के बारे में बता चुका हूँ। इस विद्रोह का प्रभाव अंग्रेजों के मन में ऐसा आया था कि उन्होंने बाद में उन जातियों का एक लिस्ट निकाला जिनसे अंग्रेजों को सबसे ज्यादा खतरा महसूस हो रहा था। अगर हम गौर से देखें तो इस लिस्ट में उड़ीसा के एक जाति के बारे में भी अंग्रेज वर्णना कर चुके हैं जिन जाति से अंग्रेजों को सबसे ज्यादा खतरा महसूस हो रहा था, और वो जाति था खंडायत। फिर दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइक विद्रोह के अन्यतम एक महान नेता जिनको टाइटल मिला था द टाइगर ऑफ बाणपुर का। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं खंडायत कुल शिरोमणि कृतिवास पाटसानी जी के बारे में। 1 जून 1836 पाइक विद्रोह को शुरू हुआ 33 साल हो चुका है। इस विद्रोह के चार पांडव यानी जय राजगुरु, माधव चंद्र राउत राय, पिंडी के बाहुबलेंद्र एवं बक्सी जगबंधु अलग अलग समय पर इस युद्ध का नेतृत्व ले चुके हैं। जब अंग्रेजों को लग रहा था कि अब पाइक विद्रोह एकदम खत्म हो गया है, तभी मन में गुस्सा और सीने में ज्वाला लिए बाणपुर में एक खंडायत अपने खंडा को धार चढ़ा रहा था, और वो थे कृतिवास पाटसानी। अब बारी था बाणपुर के शेर कृतिवास पाटसानी जी का। दोस्तों, किसे पता था कि श्याम सुंदर पटनायक जी का ये लड़का एक दिन अंग्रेजी हुकूमत का जड़े हिला दे। 1 जून 1836 को बाणपुर के अरंग में एक बड़ा सभा का आयोजन किया जाता है। इस सभा में कृतिवास पाटसानी जी के साथ उपस्थित थे सरदार लोचन बिसोई एवं सरदार पंचानन नायक। इस सभा में यह निष्पत्ति लिया गया कि अगर बाणपुर को अंग्रेजों से मुक्त करवाना है तो एक स्वतंत्र संग्राम का आह्वान करना पड़ेगा। पर जो परंपरा भारत में चले आ रहा था कि अगर एक इलाके को स्वतंत्र घोषणा करवाना है तो ये काम सिर्फ राजा ही कर सकता है, इसीलिए सर्वसम्मति के अनुसार सरदार पंचानन नायक को बाणपुर के राजा बनाया गया, जिनका नाम परिवर्तन करके रखा गया राजा सरण सिंह। दड़बहरा कृतिवास पाटसानी जी उनका मंत्री तथा उनका प्रधान सेनापति बनाया गया। राजा सरण सिंह बाणपुर को स्वतंत्र ऐलान करवा देते। फिर बाणपुर में जितने भी अंग्रेजी थाना थे और जितने भी अंग्रेजी कार्यालय थे उन सब के ऊपर खंडायतों का जत्था धावा बोलने लगता। 4 जून 1836 इस दिन कृतिवास पाटसाहन एवं सरदार लोचन बिसोई अंग्रेजों के ऊपर सबसे बड़ा हमला करते हैं। वो जो भी रास्ता होकर गुजरते हैं उस रास्ता के आसपास जो गांव बसते थे वहां के हजारों खंडायत उनके सेना में शामिल हो जाते हैं। 4 जून को जब ये विद्रोह का ऐलान होता है तब सानसरपुर, बेतुली, बड़े बुरीगा, गुटसपुर, बालीडी, भूमकपड़ा एवं भट्टेश्वर के बड़े बड़े जो पाइक सरदार थे, जो पाइक दल बहरा थे, वो कृतिवास पाटसानी जी के समर्थन में युद्ध में उतरते। बाणपुर में जो अंग्रेज थे उनके पास बेहद ही आला दर्जे के हथियार थे, पर हमारे कृतिवास पाटसानी एवं उनके पाइक सेना सिर्फ तलवार एवं तीर धनुष की मदद से उन अंग्रेजों को युद्ध छोड़ के भागने के लिए विवश कर देते हैं। 5 जून को राजा सरण सिंह एक फरमान सुनाए और उस इलाके में जितने भी पाइक सरदार और पाइक थे उन सबको भट्टेश्वर घाटी बुलाए। एक बहुत ही इंपोर्टेंट मीटिंग होता है जिसमें बड़ोकोड़ पर हमला करने का प्लानिंग किया जाता है, और 6 जून को कृतिवास पाटसाहनी, राजा सरण सिंह एवं 4000 खंडायत बरकुल पर धावा बोल देते हैं। पर ये आक्रमण का पता पहले से ही अंग्रेजों को चल चुका था,
इसलिए वो सब बरकपुर छोड़ के भाग गए थे। बाणपुर में अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे इस विद्रोह को देखकर जो साहूकार एवं गुमास्ता टाइप के लोग थे वो काफी भयभीत हो गए थे। उनको पता था कि हम लोगों को इतना टॉर्चर कर चुके हैं कि अंग्रेजों के बाद हमारा ही नंबर आएगा, इसलिए वो एक षड्यंत्र का प्लान करते। वो सब चक्रांतकारी लोग ऐसा नाटक करते हैं ताकि लोगों को लगे कि ये सब लोग विद्रोह को समर्थन कर रहे हैं, पर उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। ये सब लोग राजा सरन सिंह को ये समझाने में कामयाब हो गए कि आप टांगी पर हमला कीजिए और जो भी सहायता लगेगा वो सब हम देंगे। राजा सरन सिंह, सेनापति कृतिबास पाटसानी एवं सरदार लोचन बिसोई एवं 4000 खंडाय अपने पूरी ठाट बाट के साथ टांगी पर हमला करने के लिए निकलते। इस सेना के खाने पीने का व्यवस्था इसी गुमास्ता और साहूकार टाइप के लोगों ने भीमपुर में करवाए थे, पर यह था एक साजिश। पहले से ही इन लोगों की जानकारी अंग्रेजों को दे दिया गया था। शाम होता है, छावनी डाला जाता है भीमपुर में, रसोई होता है, सब सेना खाने के लिए बैठते हैं और अपने हथियार को पूछ कर एक साइड में रख दिया जाता है। पर तभी वहां दन दनाता हुआ अंग्रेज फौज आ जाती है, चारों तरफ से बंदूक लेकर निहत्थे इन सैनिकों पर टूट पड़ते हैं। इस गोलीबारी में बहुत से पाइके मारे जाते हैं, पर सौभाग्य से राजा, मंत्री एवं सरदार तीनों वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। राजा सरन सिंह, कृतिबास पाटसानी एवं सरदार लोचन बिसोई तीनों आकर पहुंचते हैं नयागढ़। पर नयागढ़ के जो राजा था वो अंग्रेजों की पैरवी करता था, इसीलिए वो तुरंत इन तीनों को बंदी बनाता है और इन तीनों को अंग्रेजों के हवाल कर देते हैं। इसी तरह के कुछ चंद गद्दारों के वजह से अंग्रेज बाणपुर के विद्रोह को दबाने में सक्षम हो गए। इसके बाद राजा सरन सिंह को मौत की सजा एवं कृतिबास पाटसानी एवं सरदार लोचन बिसोई को काला पानी के सजा मिलता है। दोस्तों, ये है हमारे उड़ियाओं का स्वाभिमान। इसी के साथ वीडियो को करते हैं अंत। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें अवश्य बताइए। इसके बाद वाले वीडियो में हम बात करेंगे वीर शिरोमणि पिंडी की बाहुबलेंद्र के बारे, इसलिए वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। खैर दोस्तों, चलता हूँ और आपसे मिलता हूँ इसके अगले एपिसोड। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।